Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum everybody. My name is Luqman Rafiq and I'm the principal here at Scriber College. ये जो एक short video है, इसका मकसद ये है कि आप में से बहुत सारे students ने exemptions claim करी है ICAP के अंदर, ACCA के अंदर, on the basis of your ICAP. And a lot of you people are actually a bit confused कि यार अब हम क्या करें, क्या ना करें. तो मैं कुछ एक जनरल गाइडेंस आपको दे देता हूँ. देखिए, सबसे पहली चीज तो कुछ तरीके से कि जब आपकी एग्जेम्पशन प्रोसेस हो गई है, तो एग्जेम्पशन प्रोसेस होने के बाद जो है वो एक नेक्स्ट स्टेप क्या है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स ये कह रहे हैं कि यार हमारे पास कोई लेटर आएगा, कुछ आएगा. तो देखिये, कोई लेटर नहीं आना. आपके पास एक ईमेल आ चुकी है ऑलरेडी, जो कि आपको जिसमें ये चीज गिवन होगी कि यू कैन एक्सेस योर ACCA अकाउंट बाय फॉलोइंग द लिंक. तो उसमें आप लिंक को जब फॉलो करेंगे तो आप सबसे पहली बार अपना आईडी पासवर्ड सेट करेंगे, तो आपका आईडी प्रॉब्ली आपका ACCA रजिस्ट्रेशन नंबर होगा. मैं आपको एक शॉर्ट गाइडेंस दे देता हूँ कि किस तरीके से ACCA रजिस्ट्रेशन नंबर जो है वो अलॉट होता है. ये एक बेसिकली ACCA की वेबसाइट है, accaglobal.com. इस पे आप जब वेबसाइट पे जाएंगे तो देयर इज दिस पेज व्हिच इज माय ACCA. सो आप इस माय ACCA के पेज को एक्सेस करेंगे और माई ACCA के पेज को एक्सेस करने के बाद, अभी फॉर द टाइम बीइंग जो कि आज ACCA का रिजल्ट अनाउंस हुआ है, ये माई ACCA का पेज थोड़ा सा स्लो चल रहा है, बट एनीवेज जब आप इस माई ACCA के पेज को एक्सेस करेंगे तो माई ACCA के पेज को एक्सेस करने के बाद जो है वो नेक्स्ट सिचुएशन कुछ इस तरीके से होगी कि आप अपना ACCA का जो भी आईडी और पासवर्ड है, और अपना ACCA का आईडी और पासवर्ड एंटर करेंगे. एंड वंस यू विल एंटर योर माई ACCA आईडी एंड पासवर्ड, जैसे कि मैं यहाँ पे एक स्पेसिफिक स्टूडेंट का माय ACCA आईडी और पासवर्ड जो है वो एंटर कर रहा हूँ. सो बेसिकली यू आर गोना साइन इन टू माय ACCA. अब ओके, सो हियर इट इज, मैंने ये माय ACCA में साइन इन कर लिया. और साइन इन करने के बाद जो है, अब आप देखें यहाँ पे आपके पास बेसिकली एग्जाम स्टेटस एंड रिजल्ट्स का सेक्शन आ रहा है. एग्जाम स्टेटस एंड रिजल्ट्स के सेक्शन में जब आप जाएंगे, इस एग्जाम स्टेटस एंड रिजल्ट्स के सेक्शन के अंदर आपके पास ये व्यू योर स्टेटस रिपोर्ट. अब ये जो बच्चा है ना, ये एक बेसिकली बेसिक एंट्रेंट है, तो इसका कोई इतने सच कोई एग्जेम्पशन वगैरह नजर नहीं आ रही होगी, वरना दोज ऑफ यू हैव एक्चुअली क्लेम्ड एग्जेम्पशन, तो उसकी बकरा तौर पर यहाँ पे जो है ना, इसमें आपके पास जब आप अपनी एग्जाम एंट्री देखेंगे, सो उसमें आपको बकरा तौर पे नजर आएगा कि कौन कौन से पेपर्स आपके एग्जेम्प्ट हो चुके हैं, कौन कौन से पेपर आपके पेंडिंग है. ये तमाम की तमाम चीजें आपको अपनी ACCA के उस पर नजर आएगी, सो दैट यू कैन इजीली हैव एन एक्सेस. इफ यू वांट टू क्रिएट एन एग्जाम एंट्री, तो आप एग्जाम एंट्री सेक्शन पे जाएंगे तो वहां से आपकी एग्जाम एंट्री हो सकती है. अगर आप खुद से कराना चाहें तो खुद से कर लें, आप स्क्राइबर के थ्रू कराना चाहें तो स्क्राइबर कैन ऑल्सो असिस्ट यू, गाइड यू इन टू योर एग्जाम एंट्री. खैर एनीवेज, ये देखें, अब ये स्टूडेंट है ना, इसका कोई भी ऐसा चीज जो है तो इसने पेपर पास नहीं किया हुआ, सो इसका कुछ भी नहीं आ रहा, वरना अदरवाइज आप लोगों के एग्जाम एंट्री के अंदर ये नजर आ रहा होगा कि यू हैव पास्ड फ्यू ऑफ द ACCA पेपर, यू हैव बीन एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द ACCA पेपर. एक चीज तो ये. सेकेंडली, ACCA के एग्जाम सेशन चार अटेम्प्ट में होते हैं, मार्च, जून, सितंबर, दिसंबर. उसमें ACCA ने कुछ अर्ली एंट्री रखी और कुछ स्टैंडर्ड एंट्री रखी. अर्ली एंट्री में अगर आप रजिस्टर करा लेते हैं तो 3-5 पाउंड का आपको बेनिफिट हो जाता है. तो अब देखें, फॉर एग्जाम्पल, अ लॉट ऑफ यू वुड बी अटेम्प्टिंग दिस जून एग्जाम सेशन नाउ. दिस जून एग्जाम सेशन के लिए रेलेवेंट डेट्स क्या हैं? जो अर्ली एंट्री की डेट थी, अनफॉर्चुनेटली वो डेट तो चली गई है. अब रेलेवेंट डेट आपके पास 29 अप्रैल है. जून के जो ACCA के पेपर्स होंगे वो पेपर्स फर्स्ट मंडे से स्टार्ट होंगे, यानी कि आप ये याद रखिएगा, चाहे वो मार्च हो, चाहे जून हो, चाहे सितंबर, दिसंबर हो, दे ऑल स्टार्ट फ्रॉम फर्स्ट मंडे. और आपका जो रिजल्ट अनाउंस होता है, वो आपका रिजल्ट अनाउंस होता है थर्ड मंडे. आपका जो रिजल्ट अनाउंस होता है वो बेसिकली आपका तकरीबन 6 वीक्स बाद, जो थर्ड मंडे होता है, उस दिन आपका रिजल्ट अनाउंस होता है एग्जाम एंड एग्जाम एग्जाम के एंड होने के बाद. सो दिस इज व्हाट द स्टैंडर्ड एंट्री डेट इज. और अगर मैं आपसे कहूँ कि एग्जाम डेट कब से होगी, सो दिस इज बेसिकली फर्स्ट मंडे ऑफ यहाँ पे हो जाता है मार्च. दिस इज फर्स्ट मंडे ऑफ जून. And this is going to be first Monday and so on and so forth. So again, all of you who plan to attempt the papers in June session, this is a general guidance for you. Thank you very much. Still, in case if you have any further query, you can contact Scriber College and we'll guide you. Thank you.